हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीकॉम ऑनर्स के लिए जो बिजनेस लॉ का पेपर है वो किस तरीके से आता है। आज मैं आपके साथ वो प्रीवियस जो सैंपल पेपर है वो डिस्कस करने वाला हूं। डीयू, वैसे ये पेपर जो है रेगुलर का है, बट ये आप अगर डीयू सोल से कर रहे हैं, रेगुलर से कर रहे हैं या एनसीडब्ल्यूईपी से कर रहे हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो इसमें मैं आज सेमेस्टर 1 बीकॉम ऑनर्स का बिजनेस लॉ का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, ये हमारे पास पेपर है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए यहाँ से बीकॉम ऑनर्स लिखा भी हुआ है सेमेस्टर 1। हम यहाँ से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, नीचे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, बट जो आप क्वेश्चन पेपर है आपको वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलता है। और अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट वो जो मीडियम है वो आपको पूरे पेपर में वो लिखना होगा। जैसे अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखने हैं, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हिंदी में और एक क्वेश्चन इंग्लिश में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो स्टेट विद रीजन इन ब्रीफ, यानी यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताने, साथ ही साथ उनका जो रीजन है वो भी डिफाइन आपको करना है, खाली आपको ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है। तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी दो पार्ट है, पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स वाला है एंड सेकेंड है मिस्टेक रिजल्ट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड वैलिड एज वेल एज वॉइडेबल। तो ये आपको समझाना है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वो हमारा 15 मार्क्स का हो गया। इसके बाद इंटरनल चॉइस में जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें जो ये ए है उसका है स्टेट विद रीजन वेदर द, इसमें भी ट्रू फॉल्स ही है। देखिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया गया है, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जो इसमें सेकंड वाला है वो है, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन बारे में बताना है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर एक केस दिया हुआ है हर्ष वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आ रहा है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपको बताना है इसको डिफाइन आपको करना है। तो आप देखिएगा इस जो क्वेश्चंस हैं वो डिफाइन करने के लिए ज्यादा आते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको वो डिफाइन करने के लिए तो बहुत ही कम आता है, बट आपको वो केस देख के समझाना है वो इस तरीके से। आप उसमें सपोज आपको एक हेडिंग दे दी या एक टॉपिक आपको दे दिया, उसके बारे में आपको कमेंट करना है या डिस्कस करना है या एग्री है या आप नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये सेकंड पार्ट है हमारा, डिफाइन सर्टेन रिलेशंस रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्कस देम टू इन डिटेल, तो ये आपको बताना है। इसका सी पार्ट है, यानी जो इसके तीन पार्ट है और तीनों ही पार्ट जो है वो 5-5 मार्क्स है, तो टोटल 15 मार्क्स का जो होता है वो एक क्वेश्चन आपका होता है। तो ये सेकेंड था, देख सकते हैं आप, इसमें इंटरनल चॉइस आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी, ये इंटरनल चॉइस है इसकी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आ रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये वहां का है। डिफाइन द टर्म गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी हमारे गुड्स को हमें क्या करना, पूरा अच्छे से डिफाइन करना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको 2-3 लाइन नहीं लिखनी है, आपको इससे पूरा डिफाइन करना है गुड्स के बारे में, जितना आपको पता है कितने टाइप्स के गुड होते हैं ये सब कुछ आपको डिफाइन करना है, जैसा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिया गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है ये भी 5 मार्क्स का है, और सेकंड पॉइंट है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इसको आपको बताना है। उसके बाद नीचे एक केस भी दिया गया है, अरुण कॉन्ट्रैक्टेड विद विमल टू डिलीवर 100 kgs ऑफ राइस, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि व्हेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी पास्ड, ये आपको इसमें डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी है, तो इंटरनल चॉइस आप पढ़ सकते हैं। जो इसका पहला पॉइंट है वो 3 मार्क्स है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द टाइम इन विच ओनरशिप पास, यानी कब ओनरशिप पास होगी तो वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको इसमें डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका ये इंटरनल चॉइस थी। और इसके बाद ये बी पार्ट है, डिफाइन सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, तो सेल के बाद पहले आपको सेल को डिफाइन करना है और उसके बाद सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी बताना है। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो हर क्वेश्चन आप देखने का इस 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 3 पॉइंट्स में आपको दिया गया है, 1st 5 का, फिर 2nd 5 का, फिर 3rd 5 का। फिर इसके बाद हमारा LLP से ये आया है क्वेश्चन, यहाँ प्रोविजंस आपको बताने हैं सी पॉइंट में, फिर बी पॉइंट में आपको प्रोसीजर बताना है कि कैसे कोई फर्म LLP में कन्वर्ट हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप,
और उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में आपको बताना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या कंडीशन है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए। तो ये सब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट्स हो गए। और इसमें इंटरनल चॉइसिंग भी दी गई है कि हाउ द ऑडिटर अपॉइंटेड इन एन LLP, यानी LLP में ऑडिटर जो है कैसे अपॉइंट किया जाता है। LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म, तो ये आपको इस पूरा अच्छे से समझाना भी है। इसके बाद जिसका सी पॉइंट है, हाउ कैन LLP बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी LLP जो है कैसे इनकॉर्पोरेट हुई, ये आपको पूरा बताना है इन LLP एक्ट 2008। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट से आया है, IT एक्ट से आया है। तो IT एक्ट एक्टेड नॉट एप्लीकेबल टू विच कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब आपको समझाना है फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक की, तो इसमें आपको डिफरेंस बता रहे हैं। नेक्स्ट डिफाइन द टर्म सब्सक्राइबर एंड व्हाट आर हिज ड्यूटीज अंडर द IT एक्ट। इसमें भी इंटरनल चॉइस है, देखिए एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कौन सी उसकी पावर्स बतानी है आपको। उसके बाद साइबर टेररिज्म क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से कैसे डिफरेंट है, ये आपको बताना है। इसके बाद इसमें जो चॉइसेस थी, अच्छा ये चॉइसेस भी यहीं पर ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कम्प्लीट हो गया। तो गाइज ऐसे ये पूरा 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपने देखा 15 मार्क्स का होता है, इंटरनल चॉइस जो है वो इसमें आती है। तो आपके लिए सही है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको उसकी इंटरनल चॉइसेस के हिसाब से कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट पार्ट आपने दूसरे क्वेश्चन से किया फिर सेकंड पार्ट आपने चॉइस में से कर लिया, ऐसा नहीं होगा, वो पूरा गलत माना जाएगा क्वेश्चन। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बिजनेस लॉ का एक पूरा कंप्लीट जो पेपर है वो दिखाया, साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चंस भी रीड करके उसमें बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।